मेरी जिंदगी तो खुशियों से भर जाएगी ना त्रिशूल। जानबूझ के ये सब बातें मेरे सामने ही कर रही हो ना? क्या कहा? कुछ भी नहीं, ये सब बातें बताई नहीं जाती। क्यों, हिम्मत नहीं है? हेलो, मुझ में कहने की हिम्मत है लेकिन तुम में सुनने की नहीं है। ऐसी क्या बात है? वो मैं कह रहा था तुम त्रिविक्रम से शादी करने जा रही हो, लेकिन वो होगी या नहीं इसका क्या भरोसा? त्रिशूल, हमारी शादी जरूर होगी। ये त्रिशूल अपनी हद पार कर रहा है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? बार बार मेरी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके ना कहने पर भी जबरदस्ती उसके दिल में खुद के लिए प्यार जगाने की कोशिश करता है। नहीं, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करते हैं ना भांजे, उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो भांजे? ओ, तुम जो सोच रहे थे वही मैंने बताया, इसीलिए तुम त्रिशूल के बारे में बात कर रहे थे ना? हमारे मन के तार जुड़े हुए हैं भांजे, तुम जो दिल में सोच रहे हो ना वो मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ। पावर तुम्हारा है और कनेक्शन मेरा है। मामा प्लीज, इन सब फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे पता है भांजे, तुम्हें उस त्रिशूल को टारगेट बनाना है, सही कहा ना? मेरा भी यही मकसद है, हम उसे इस प्रकार टॉर्चर करेंगे कि वो त्रिशूल इस घर से खुद ही भाग जाएगा। उसे जाना ही होगा, मेरी शादी से पहले उसे इस घर से बाहर निकालना ही होगा। उसे कैसे निकालना है ये मैं जानता हूँ। उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि वो इस घर से तो क्या, घर वालों से भी कहीं दूर चला जाएगा और दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। तुम ऐसा क्या करने वाले हो भांजे? मैं उसे इमोशनली हैंडल करूंगा, उसकी तकलीफ से ही मुझे राहत मिलेगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। दिग्विजय, बहुत समय बाद इस घर में खुशी आई है और सबके चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई दे रही है। ये खुशियाँ हमेशा ऐसे ही बनी रहे। बिल्कुल रहेंगी, एक बार शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाएं, उसके बाद सारी खुशियाँ डबल हो जाएंगी। अरे त्रिशूल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया वो? मैं यहाँ हूँ दादी। तुम शिवानी के घर गए थे ना? हाँ गया था पिताजी। और क्या तुमने उसे बताया कि हम उसी की पसंद की इनविटेशन को प्रिंट करवा रहे हैं? क्या रिएक्शन था उसका? बहुत खुश हुई। आओ बेटा, हम सबको तुम्हारा ही इंतजार था। डैड, इसमें पंडित जी ने सब लिख दिया है, हमें थोड़ी बहुत चीजें लिखनी है। जीजा जी, जरा देखिए तो सही, इसे शादी करने की कितनी जल्दी है। चिढ़ाना बंद कर, वो चाहते हैं कि शादी अच्छे से हो जाए। माँ, पंडित जी को क्या पूछना है? वही बेटा, कुलदेवता का नाम, बरवधु का नाम, उनके माँ बाप का नाम और सुखभिलासी लिखते हैं ना उनका नाम, उतना ही। आओ त्रिशूल, यहाँ बैठ के लिखो। हाँ त्रिशूल, ये लो। ब्रो, सब सही तरीके से लिखना। हाँ ब्रो। चीसौ शिवानी पटनागर। चीरा त्रिविक्रम। लिखो ना, रुक क्यों गए? चीरा त्रि नहीं, चीरा त्रिविक्रम।
अरे त्रिशूल, तीन अक्षर लिखने इतना वक्त क्यों? लिख रहा। वरवधु के नाम के नीचे उनके माँ बाप का नाम लिखना। श्रीमती दमयंती और श्री दिग्विजय का बड़ा बेटा। हे, क्या बोला तुमने? हाँ, इनविटेशन में जन्म देने वालों का नाम लिखा होता है, ना कि हमारा, समझे? डैड, वो कोई बात नहीं मालिक, आपका नाम ही लिखने दीजिए। ये ठीक नहीं है नंदीश, लग्न पत्रिका लिखने का एक अपना विधान होता है, सब उसी के हिसाब से होना चाहिए। त्रिशूल, इन दोनों के साथ उन दोनों का भी नाम लिख दो, श्रीमती मधुमती और श्री नंदीश के बड़े बेटे, ऐसा करके। ए, जैसा माँ ने कहा, बाकी रिश्तेदारों का नाम भी इसी में लिख दो। त्रिशूल, तुम ही जाकर प्रिंटिंग के लिए दे दो, मेरा और शिवानी जी का नाम बड़े अक्षरों में लिखवाना, सबको पता चलना चाहिए। क्या हुआ मधु, मालिक के घर से ऐसे अचानक निकलकर यहाँ पर अकेले आकर क्यों बैठी हो? हमारे बेटे को अपने माँ बाप का नाम लेने में शर्म आती है, उसे देखकर मैं खुश कैसे रह सकती हूँ जी? उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा, वो मालिक और मालकिन को माँ बाप बुलाता है ना, इसलिए शायद कह दिया होगा। मुझे बातों में उलझाना आपको अच्छे से आता है। मैंने तो बस सच्चाई बताई है। सच्चाई ये नहीं है जी, एक को हमने पाल पोस के बड़ा किया है और दूसरे को जन्म दिया है, अगर देखा जाए तो दोनों बच्चे हमारे ही हैं। लेकिन घर पर मुझे माँ बुलाने के लिए मेरे घर एक बेटा भी नहीं है। आएगा मधु, जल्द आएगा, तुम्हें और मुझे माँ बाप बुलाने के लिए एक दिन जरूर आएगा। अब इसी उम्मीद में मैं जी रही हूँ जी, बेटी की शादी कराने का भाग्य भी नहीं है, सारे काम वही लोग कर रहे हैं। हम उनकी मदद कर रहे हैं ना? हम तो बस नाम के लिए हैं, वो भगवान जी भी हमारे ऊपर कब दया करेंगे पता नहीं। और बोलो दूल्हे साहब, शादी की तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है? इज एवरीथिंग ओके? आर यू हैप्पी? हाँ डैड, आई एम वेरी हैप्पी। ये तो बस शुरुआत है, देखना तुम्हारी शादी को कैसे धूमधाम से मनाएंगे। थैंक्स डैड। अरे थैंक्स क्यों बेटा, तुम खुश तो मैं खुश। हम लोग कपड़े और गहने की परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम शिवानी को लेकर सीधा वहीं पहुंच जाना। ठीक है डैड, अभी निकलता हूं। गो गो गो। हे ब्रो। हाँ, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं कहाँ? तुम्हें कुछ पता नहीं क्या, हम सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मैं और तुम जाकर शिवानी को लेकर आते हैं। मेरी क्या जरूरत है ब्रो, नहीं आप जाकर आइए। ब्रो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन वो वो इतने प्यार से बुला रहा है, मना क्यों कर रहे हो? जाओ। कम ऑन ब्रो। शिवानी जी, टुडे आई एम सो हैप्पी। मुझे इस हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं। आखिरकार हम दोनों की शादी हो रही है, आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूं। शिवानी जी देखिए ना, हम दोनों कितने खुश हैं, लेकिन ये त्रिशूल पता नहीं क्यों इतना उदास बैठा है। आपको पता है क्यों? पता नहीं। त्रिशूल किसी लड़की से प्यार करता है, आपको जरूर पता होगा कि वो कौन है। उसे पूछो तो वो कुछ नहीं बताता, शायद आपसे ही कुछ पता चल जाए, कहिए ना शिवानी जी। ब्रो ये बातें अभी नहीं करते, किसी और दिन करते हैं। ब्रो तुम ऐसे ही बोलते बोलते हमें